अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसमें मैं दो या तीन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको एक आइडिया देने वाला हूँ और वो फिर इसी सेम उस पर बन जाएंगे। जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, तो अब आप देख रहे हैं कि एक तरफ से बंद है और एक तरफ से खुला है, तो इसके अंदर की एयर को भी हम वाइब्रेट करवा के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहले तो इसकी साउंड सुनते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें कैसे हम चेंज करेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना, बस फूंक मारनी है इसके अंदर। तो इसकी एक पर्टिकुलर आवाज आपने सुनी। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं पानी भर देता हूँ। अब ये खाली है और मैंने इसमें क्या कर दिया, पानी भर दिया। तो पानी मैंने अभी इतना भरा है और अब देखते हैं कि क्या आवाज में कुछ परिवर्तन है। थोड़ा थोड़ा श्रेल हुआ। और भरते हैं, अभी इतना आधे के लगभग थोड़ा सा ही कम पानी है। तो पतली होती चली जा रही है, जिसको कहते हैं तीखापन आना आवाज में, वो तीखापन आता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एयर कम हो गई है, तो अब अलग तरीके की आवाज आ रही है। यहाँ एयर ज्यादा थी तो अलग तरीके की आवाज आ रही थी। तो हम ये जो वाटर कॉलम का हाइट है, सेम जैसे हम जल तरंग में करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, बट डिफरेंस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में है कि एक में हम क्या करते हैं, हिट करते हैं, हिट इंस्ट्रूमेंट हो गया। वही पानी भर के हमने लेवल तो चेंज किया, लेकिन हम हिट कर रहे हैं और तब आवाज निकल रही है। और ये विंड इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्योंकि इसमें हम हवा फूंक रहे हैं और तब आवाज निकाल रहे हैं। पानी की वजह से वो एयर कॉलम का जो लेंथ है वो कम हो गया है। अभी जरूरी नहीं कि आपके पास टेस्ट ट्यूब और 8 टेस्ट ट्यूब हो, तो इसका जुगाड़ क्या है कि आप पेन ले लीजिए, जो पेन जेल पेन आते हैं उसमें नीचे कैप तो लगा ही होगा, और उसमें आप 8 ऐसे पेन ले लीजिए और उनको आपस में टेप लगा के जोड़ लीजिए, और अलग अलग लेवल पे पानी भर भर के फिर वही फ्रिक्वेंसी जो आपका है ट्यूनर, उसके साथ ट्यून करिए उसको, और देखिए कि क्या किस लेवल पे उसका सी निकल रहा है, किस लेवल पे डी निकल रहा है, किस लेवल पे ई निकल रहा है। और तब वो सी डी ई काफी जरूरी है। हम अलग अलग लेवल पे भर के हम अलग अलग आवाजें तो निकाल लेंगे, लेकिन वो सी नहीं होगा, वो डी नहीं होगा, वो ई नहीं होगा। और अगर वो सी डी ई एफ जी नहीं होगा तो फिर म्यूजिक नहीं होगा उससे। कुछ कुछ आवाजें निकल रही हैं, लेकिन म्यूजिक जो हम कोई धुन बजाना चाह रहे हैं, कोई गाना बजाना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा। जबकि हम कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन हम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि हम पेन पेन की मदद से उसको करें। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि बॉटल, हमारे पास बॉटल भी ढेर सारी होंगी, एक ही साइज की हो, ये हम कोशिश कर सकते हैं, एक ही तरीके की हो, एक ही कंपनी की हो। मैं बॉटल भी हम क्या कर सकते हैं, 8 बॉटल ले सकते हैं और उनको टेप लगा के आपस में, एक बड़ा सा टेप लगा के या रस्सी बांध के, जैसे भी हम चिपकाना चाहें 8 बॉटल को एक साथ चिपका सकते हैं। और इसमें भी अगर हम फूंक मारेंगे तो देखिएगा कि जो आपका हवा है वो वाइब्रेट करेगा और आवाज निकलेगा। तो इससे भी थोड़ी थोड़ी आवाज निकलती है। और हम इसमें भी पानी का लेवल अगर हम ऊपर नीचे करेंगे तो हम इसको भी सेट कर सकते हैं सी डी ई एफ जी ए बी सी पे। तो ये दो एग्जाम्पल हैं आपके पास, एक आप पेन से कर सकते हैं, एक आप कर सकते हैं बॉटल के साथ। आप पाइप भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पाइप वाला हम अगले में डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन अभी आप इससे कर सकते हैं। पानी अगर आपके पास नहीं है, सबसे सिंपल तो पानी ही भरना है, बट आप चावल या चने या बालू कुछ और भी भर के आप हाइट को एडजस्ट कम ज्यादा कर सकते हैं। तो पहले ऐसा नहीं है कि आपने सारे बॉटल को चिपका दिया और फिर पानी का चेक कर रहे हैं, क्योंकि फिर एक से निकालेंगे तो बाकियों से भी पानी निकलने लगेगा, किसी में ज्यादा हो गया आपको कम करना है। तो पहले अकेले अकेले बॉटल को सेट कर लीजिए कि अच्छा इससे मेरा सी इतना भरने पर मेरा डी निकल रहा है, इतना भरने पर ई, इतना भर देंगे तो सी निकल रहा है, और फिर उनको आपस में 8 बॉटल को या 8 पेन की रिफिल, पेन के जो केस हैं उनको फिर आपस में आप जोड़िएगा।